सरकारी कोठी नूं लै के साबका विधायक रविंदर सिंह आंवला दा वी बयान सामने आया। दस्ती उन्होंने कहा कि मैनूं सरकारी कोठी नहीं मिली पर मैं सारे बकाए पूरे किए ने। इस वक्त की वड्डी खबर है, उन्होंने कहा है कि सरकारी कोठी नूं लै के जिहड़ा नोटिस जारी होया मैं सरकारी कोठी मैनूं नहीं मिली है तो मैं सारे बकाए पूरे भी किए ने। इस दे नाल ही साडे नाल रविंदर सिंह आंवला फोन लाइन ते मौजूद ने। आंवला साहब स्वागत है जी तुहाडा जी मीडिया ते। ਸਿਕਾ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ ਜੀ? आंवला साहब की कहोगे कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਇਹ ਫਲੈਟ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਆਪਦੀ ਸੈਲਰੀ ਲਈ ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੱਤਾ ਲਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਡੀਏਟੀਏ ਲਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਮਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਫਲੈਟ अज तक करी रहा और मैंने जो पता लग्या ऑलरेडी कांगड़ साहब पहला उत्थे रह रहे थे काफी साल तो वही उत्थे रह रहे हैं और उन्होंने एक आपदे वालों एक लैटर भी इशू किया कि वह उत्थे रह रहे हैं तो मैं समझदा कि यह बिना गल तो एक बदनाम करन दी और बिना गल तो एक कलंक लाने की जी गल करते पे है जो भी ये करता पाया मैं समझदा कि बहुत गलत है। मैं कभी भी पबलिक मनी आपके परसनल यूज लिए नहीं वरती। पर आंवला साहब जिहड़ा सरकारी तौर पर एक जिहड़ी जिहड़ा फ्लैट अलॉट हुंदा है वह तुहानू उदां ही होया लेकिन तुसीं उहदे विच तुसीं कह रहे हो कि नहीं रहे तो फिर हुण उत्थे कौन रह रहे या फिर खाली हुण करन दे लई तुसीं उत्थे गए होंगे या तुसीं जिद्दां कह रहे हो कि मैं सारा बकाया जिहड़ा वह पूरा भर रहा? देखो मैं कभी उस फ्लैट का पोजैशन नहीं लिया जदों विधानसभा के इलैक्शन होने सी और मैनूं पता लग्या कि मैं जिहड़े नो ड्यू सी उह सारा जिहड़ा बिजली का बिल और जो भी बकाया सी मैं आपके कोलो बिल्कुल नील किया और मैं समझदा कि ना मेरे को पोजैशन सीगा और ना मैं पोजैशन किसी तो लैके सरकार नू दे सकदा। सरकार नू चाहिए अपनी प्रॉपर्टी का पोजैशन लै लैन। आंवला साहब उन्होंने नोटिस तो नाम से जारी किया था इस करके हुण तुहाडी जिम्मेवारी होएगी कि उसनू जाके या फिर किदां सपुरद करना या फिर सरकार नू या फिर कोई जिहड़ी कागजी कार्रवाई है मौके ते पहुंच के तुहाडे वल्लों हालांकि तुसीं इह गल क्लीयर करती कि मैं नहीं वरतिया है पर फिर भी तुहाडे नाम ते तां अलॉट होया होया सी। देखो मैं स्पीकर साहब नाल 2 महीने पहला भी इह गल कीती सी कि मैं कभी भी उस फ्लैट की वरतों नहीं कीती ना ही कभी पोजैशन लिया और सरकार कोई भी एफीडेविट या फिजिकली चाहूगी मैनू उत्थे मौजूद होना मैं होने नू तैयार हाँ मैं प्रेस दे नाल भी जाण नू तैयार हाँ उत्थे ना मैं कभी उस फ्लैट दे विच रहा है और ना मेरा उस फ्लैट से कभी पोजैशन रहा। आंवला साहब की कहोगे जिहड़ा हुण तक चलो तुसीं तुहाडी गल मान लैंदे जिहड़ा बाकी साबका विधायक ने अपना जिहड़ा फ्लैट नहीं खाली किया उसनू तुसीं किदां देखते हो? देखो मैं तो शुरू तो ही एक गल कहंदा रहा कि पबलिक मनी नू नहीं वरतना चाहिए ना सैलरी लैनी चाहिए है ना कोई पत्ता लेना चाहिए ना ही पेंशन लेना चाहिए लैनी चाहिए है। मैं तुहानू यह भी दस देना चाहना कि मैं पहले दिन तो ही अपनी पेंशन सीएम रिलीफ फंड दे लई पहले दिन तो ही लिख के देता सीगा और मैं चाहना कि कोई पेंशन क्योंकि मैं समझदा कि अजकल जिन्ने भी विधायक ने या पॉलिटिशियन ने बहुत वधिया कंडीशन च ने माली हालत उन्हां दी बहुत वधिया है और उन्होंने जिहड़े पब्लिक मनी है उन्हां दी वरतों नहीं करनी चाहिए। ठीक है आंवला साहब बहुत बहुत शुक्रिया जी मीडिया के नाल गलबात करने के लिए। तो दस दिए कि रविंदर सिंह आंवला होर ने अपना स्पष्टीकरण साझा किया। उन्होंने कहा कि ठीक है मैंने सरकारी तौर पर एक जिहड़ा फ्लैट सीगा अलॉट जरूर होया सी लेकिन मैं इसकी कदे वरतों नहीं की।